कैसी लग रही है ये ब्यूटी मर्सिडीज़ C43 AMG? जी हाँ, ये सी क्लास ही है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है पूरा वो एक कूपे की तरह किया गया है, और ये बैज के साथ आई है AMG। इसका मतलब है ये है परफॉर्मेंस सी क्लास, जिसे हम कह सकते हैं। तो मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इंजन्स ड्राइव। जैसा आप देख रहे हैं, ये है पूरी तरह से नई, जो कह सकते हैं आप, C43 AMG, जो इंडिया में आई है। बेसिकली ये मिड लाइफ फेसलिफ्टेड वाला वेरिएंट है, जिसने जब इंडिया में एंटर किया है। और यहाँ पर आपको महसूस होगा कि फ्रंट जो है नॉर्मल सी क्लास जैसा ही लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आपकी जो AMG की ग्रिल्स हैं, ये डबल स्ट्राइप वाली, जो AMG के ही लिए ही स्पेशली डिज़ाइन करी गई थी, और जो बड़े बड़े यहाँ पर जो है एयर वेंट दे रखे हैं, और यहाँ पर जो है वही मल्टी बीम LED का इस्तेमाल करा गया है, जो कि सी क्लास में करी गई थी, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन में आते हैं, इसमें ये स्टैंडर्ड दे रखे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये देखने में। ये है C43 AMG की साइड, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गाड़ी के लिए। ये क्यूपे स्टाइल है, तो उसके लिए ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जाते हुए रूफ लाइन जो है नीचे जा रही है और पीछे तक एक्सटेंड हो रही है, और ये जो है चौथा डोर नहीं मिलेगा आपको, ये टू डोर कार है, तो और इसी के नीचे ही आपको जो है जो व्हील्स मिलेंगे, ये दिस इज़ 18 इंच व्हील्स, जो कि AMG की बेजिंग के साथ है, और AMG इंस्पायर्ड भी हैं। और ये आपको जो है सी क्लास में भी मिल सकते हैं, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन 300D में मिलेंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसके साइड मिरर हैं, जो है कंट्रास्ट में मिल रहे हैं, ब्लैक में आपको दिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ कि जो परफॉर्मेंस वेरिएंट है, उस लिहाज से भी जो है सिर्फ इंजन नहीं, यहाँ पर जो है जो फ्रंट का व्हील है उसका साइज़ जो है उसकी विड्थ जो है छोटी है, और जो पीछे का है उसकी विड्थ जो है ज़्यादा की है। जैसे बताऊँ, यहाँ पर जो है टायर साइज दे रखा है 225/40 R19, वैसे तो 18 इंच में भी अवेलेबल है, तो वो मैंने जैसे आपको पहले दिखाया। और यहाँ पर जो है 225/35 R19। जी हाँ, ये परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन उस लिहाज से जो है आपको जो है व्हील भी बड़ा मिलेगा, ताकि जो है आपको ट्रैक्शन मिल सके। है C43 AMG का रियर साइड, जैसा आपको दिख रहा है ये बहुत ही अलग है नॉर्मल सी क्लास से, क्योंकि जो लाइट्स हैं यहाँ पर, जो पीछे की टेल लैंप है, वो देखने में पूरी एक्सटेंड जा रही है, पूरी नॉर्मल सी क्लास की तरह नहीं दिखती। मर्सिडीज़ का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है कूपे के लिए, वो सेपरेट होता है, इसीलिए जो इस स्टाइल की आपको टेल लैंप्स है या इस स्टाइल का पूरा रियर है, वो आपको सारी मर्सिडीज़ की लाइनअप में दिख जाएगा, कि जो कूपे टाइप में आएंगी वो उसमें ऐसी ही तरीके से ही आपको डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही मस्कुलर बम्पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है छोटा सा स्पॉइलर भी दे रखा है, ताकि थोड़ी सी फास्ट गाड़ी है इसीलिए ही ये थोड़ा सा विंड को बेंड कर सके, ताकि डाउन फोर्स इसे मिल सके। और यहाँ पर जो है वेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, जो कि टायर में से आते हुए पास हो सके और ठंडा रख सके टायर को भी। और ये जो है ट्विन एग्जॉस्ट पीछे दे रखे हैं, लेकिन ये क्वाड हैं, क्योंकि चार दे रखे हैं, और इनकी साउंड भी बहुत अच्छी है। मर्सिडीज़ ने बताया है कि इसकी जो साउंड है वो बहुत ही खास रखी गई है, और इस पर बहुत ही काम करा गया है, खासकर इसकी जब डाउन शिफ्ट होती है, तो इसमें आप एक तरह से हम एक हिंदी में वर्ड कहते हैं पटाखा टाइप, वो वर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मर्सिडीज़ जो है ऑफ़र कर रहा है। और जो डिफ्यूज़र जो है बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिख रहा है यहाँ पर, और क्वाड यहाँ पर एग्जॉस्ट है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मर्सिडीज़ C43 AMG का इंटीरियर जैसा आपको दिख रहा है, इसमें जो है रेड स्टिचेस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में ब्लैक लेदर का इस्तेमाल करा गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टचेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ भी यहाँ पे ख़राब क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, ये जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट में आई है, तो लग्जरी स्पोर्ट्स सेगमेंट में आई है, तो इस हिसाब से लेदर का फील यहाँ पर प्रीमियम है। और ये स्टीयरिंग व्हील पर भी जो है AMG पैच मिलेगा, साथ में लेदर रैप मिलेगा, और पीछे जो है आपको
जो पूरा स्टीयरिंग है वैसे तो सी क्लास जैसा है, लेकिन ये फ्रेट बॉटम दे दिए गए हैं और यहाँ पे पीछे मेटल में जो है अप साइड और डाउन साइड जो होते हैं ट्रांसमिशन के लिए पैडल शिफ्टर, और पीछे जो है आपको दिए गए हैं एनालॉग और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले। लेकिन यहाँ से आप जो है इंफोटेनमेंट भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पे डिस्प्ले भी कंट्रोल कर सकते हो, तो उस लिहाज से मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, इसमें इंटरनेशनली जो है यहाँ पर एक फुली डिजिटल का ऑप्शन था स्क्रीन का, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, ये है उसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि फिर से टच नहीं है। मर्सिडीज़ का कहना यह है कि ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन होती है चलाने में इस टच स्क्रीन वाले फंक्शन से, इसीलिए जो है उन्होंने ये कंट्रोल्स दे रखे हैं जिससे जो है आप जो है कंट्रोल कर सकते हो सारे फंक्शंस। तो यहाँ पर और आपको बात बताई जाए, यहाँ पर बस सिल्वर फिनिश और वैसे ही ब्लैक थीम सबको जगह मिल रहा है। यहाँ पर जो है कार्बन फाइबर फिनिश या ग्लोसी फिनिश टाइप यहाँ पर दी गई है ताकि पता लग सके ये एक स्पोर्टी कार है। और यहाँ पर वैसा ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ अलग है सी क्लास से इंटीरियर में तो, बट थोड़ा सा स्पोर्टीनेस दिया हुआ है। और जो सीट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है स्पोर्टी दी गई हैं, मतलब इसे स्पोर्टी कैटेगरी की सीट्स कहा जाता है। ये कोई लग्जरी कार वाली सीट्स नहीं है, लेकिन ये जो है कंफर्ट और एक स्पोर्टीनेस को देखते हुए बनाई गई है, तो इस लिहाज से ये चीज़ अच्छी है और पूरा देखने में ये काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है। ज़रूर बाहर से भी तो अच्छी है, लेकिन उसकी वजह ये है जो है मिररलेस सॉरी जो ये है फ्रेमलेस डोर जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो नीचे साइड आप देख रहे होंगे इसके पैडल्स हैं वो भी यहाँ पर मेटल के दे रखे हैं ताकि जो है पूरी एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार की फील जो है आ सके यहाँ पर। और इसमें जो फीचर्स हैं वो कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो है पार्क असिस्ट मिल जाएगा आपको, और जो है अपने मोड सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सस्पेंशन भी जो है आप जो है सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे कम्फर्ट हो चाहे स्पोर्ट हो, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो और यहाँ पर आपको जो है बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ भी मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रियर साइड में यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन स्पेस आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी छोटा सा ग्लास यहाँ पर दे रखा है। और मैं जो हूँ एवरेज इंडियन हाइट का हूँ, तो मेरे लिए भी ये स्पेस जो है टाइट है। मुझे नहीं लगता कि 6 फुट के आसपास के भी लोग जो हैं पीछे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा पीछे। तो ये था पीछे का हिसाब किताब मर्सिडीज़ की C43 AMG। आपको कैसे लगी बताना ज़रूर, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ आपको कि इसमें जो है AMG वाला क्या खास है मैं बता दूँ। ये पूरी तरह से टॉप मॉडल या कह लें टॉप स्पेक वाली AMG भी नहीं है। इसमें खास ये है इसमें लगा हुआ है 3.0 लीटर का V6 का इंजन जो कि ट्विन टर्बो के साथ आ रहा है, और इसकी पावर है 390 PS की और टॉर्क निकालती है 520 Nm का, जो कि 0 to 100 सिर्फ और सिर्फ 4.7 सेकंड में चली जाती है। तो ज़रूरी है फास्ट गाड़ी है, और टॉप स्पीड जो है लिमिटेड कर रखी है 250 km/h की। और इसमें जो है लगा हुआ है 9G ट्रॉनिक AMG स्पीड शिफ्ट वाला ट्रांसमिशन। और जो फाइनल प्राइसिंग है इसकी वो दी गई है 75 लाख की। साथ ही में मर्सिडीज़ ने एक बहुत अच्छा पैकेज निकाला है 2 साल की सर्विस पैकेज का जो है 68,000 का। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा पैकेज बन सकती है कि जिनको स्पोर्ट्स कार की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, बहुत लिमिटेड बजट है, या कह लो कि जो बजट है उनका वो उतना नहीं है ताकि इसका जो है टॉप स्पेक्स वाला AMG का वेरियंट ले सके, तो ये जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है लोगों के लिए जो एक स्टाइल और स्पोर्टीनेस सब चीज़ चाहते हैं एक गाड़ी में। तो आपको जो है सब मिल जाएगा इसमें, खासकर जो है आपको लग्जरी भी है वो भी अच्छी खासी दी रखी है इस गाड़ी के अंदर। तो ये था हमारा ओवरव्यू रिव्यू C43 AMG का मर्सिडीज़ का। तो आपको कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, और लाइक ज़रूर करना हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।